नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर पथराव होने के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी में अब नगर निगम की टीम अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिन के कार्यक्रम के तहत नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान कई बुलडोजर ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को गिराया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद कहीं बुलडोजर की कार्रवाई रुकी हुई है तो कहीं अब भी जारी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं और गुरुवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं देश के कई राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर को देखते हुए जमीयत उलेमा ए हिंद अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग रख सकता है। इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हो सकती है और इसमें दिल्ली के जहांगीरपुरी में होने जा रही कार्रवाई का मामला भी उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत ने मामला रखते हुए कहा कि अवैध तरीके से कार्रवाई हो रही है और लोगों को इसका नोटिस भी नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि आज बुधवार को सुबह जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर पहुंचे थे और उन्होंने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। हालांकि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोजर हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा। इसके साथ ही मेयर ने कहा कि अब तक मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं।